पेंटिंग खो रहे हैं हम। मम्मी तुमसे कहा करती थी ना कि खबरदार किसी से जिक्र मत करना कि तुम्हारी बहन की शादी कमाल तश्करान से हो रही है, वरना नजर लग जाएगी। सब कुछ किसी ख्वाब की तरह था, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। अलिफ लैला की कहानी खत्म हो गई। 6,600,000 की कोई कीमत लगाना चाहता है? 6,700,000 की बोली फोन पे लग गई। नई बोली हमारे पास है 6,800,000 की। 6,800,000 कोई और बोली? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 6,800,000 है। कोई दूसरी बोली? 8,000,000 नई कीमत है 8,000,000। कोई और बोली? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई और इस पेंटिंग की बोली लगाना चाहेगा? 1,2,3। मोहतरम नाजरीन, आज बड़ी नीलामी के दौरान मिस्टर उस्मान हामदी की पेंटिंग को नीलामी के लिए पेश किया गया, जिसकी इब्तदाई कीमत 5,000,000 थी। क्या हमारी पेंटिंग बिक गई? किसने खरीदी? चिनार अलगाज। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि ये पेंटिंग एक रिकॉर्ड कीमत में प्रोक्ट इस हैंडसम ने खरीदी। पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और अब पेंटिंग भी। जैसा कोई तमगा हो नवाबी हद का, और ये तमगा लगाकर वो हमारी बराबरी कर सकेंगे। मानना पड़ेगा, जो भी है जिसने भी खरीदी, हमें इस बात को सोच के मूड नहीं खराब करना चाहिए अपना। इस नीलामी में लोगों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ बड़ी तादाद में शिरकत की। अलगास होल्डिंग ने हाल ही में एक मशहूर कॉन्ट्रैक्ट भी एक बड़ी कीमत पर जीता है। इस कंपनी के मालिक भी चिनार अलगास हैं। माशाल्लाह, पैसे फेंको मेरे बेटे, माशाल्लाह। चलो भाई, तुम सबको मुबारक हो। उफ खुदाया, एक पेंटिंग पर पैसे फेंकने से कैसे बेहतरी हो सकती है? इससे हमारी साख बेहतर होगी। हमारी साख खराब तो नहीं थी, इतने पैसों में एक घर खरीद सकते थे, इसीलिए भाभी को अफसोस है। चिनार ने इस बार कुछ ज्यादा ही पैसे लगा दिए। अमीर आदमी के मालो जर पर गरीब की नजर होती है, जाहिर है उसने कमाया है तो खर्च भी करेगा। मेहमत और मैं कोई गरीब लोग तो नहीं, हमारे भी अलगाज होल्डिंग में शेयर्स हैं। चिनार हमारी मंजूरी से ही पैसे खर्च कर सकता है। अल्लाह अल्लाह, अरे छोड़ो भाई, दिल पर लेने की क्या जरूरत। तो फिर आप भी किसी को बड़ा ना बनाएं इकबाल खातून, हम सब एक ही दरख्त की शाखें हैं। काश यूसुफ साहब ये दिन देखने के लिए जिंदा होते। मेरा बेटा अपने बाप के ख्वाब को पूरा करेगा। मेरा बेटा? आखिर मेरा बेटा भी तो है ना भाभी। हाँ बिल्कुल, यूसुफ भी तो है, वो भी अमेरिका जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा। हाँ, जैसे चिनार ने पढ़ा। इन बच्चों की वजह से कैसरी की तरह इस्तांबुल में भी हमारी जड़ें बन जाएंगी, अगर कामयाबी हुई तो। लाले साहिबा, लाले साहिबा, मुबारक हो, आपने खरीद ली वो पेंटिंग। मैं आपकी खैरियत जानना चाह रहा था। यानी नीलामी से पहले कैसी थी या अब कैसी है? देखें, इस पेंटिंग की मालिक आप थी, ये सही है, मगर आपने उसे बेच दिया और मैंने खरीद लिया, और मुझे ये पेंटिंग खरीद के बहुत फख्र महसूस हुआ है। वो पेंटिंग बहुत अनमोल है मेरे लिए, मेरे पापा का खून है उस पर। मैं मामले की हसासियत को समझता हूँ, काश आपको इसे बेचने की जरूरत ना पेश आती। काश, काश ऐसे ही होता।